इंदौर कलेक्टर कार्यालय में आईएसओ का दौरा। दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर। संकुल परिसर में गंदगी और अव्यवस्थाओं का नजारा। कैसे दूर होंगी 24 तारीख तक समस्याएं। अधिकारियों की परेशानियां बढ़ी। आखिरी वक्त पर जागा जिला प्रशासन। इंदौर का प्रशासनिक संकुल प्रदेश का सबसे बड़ा आधुनिक और हाईटेक कलेक्टर कार्यालय होने के साथ यह प्रदेश का पहला आईएसओ कार्यालय है, लेकिन यहां भी जल्द ही अव्यवस्थाओं का बोलबाला होने लगा है। शुक्रवार को अपर कलेक्टर दिलीप कुमार कलेक्टरेट के सभी विभागों का दौरा करने निकले। आइए आपको भी दिखाते हैं कि अफसर के दौरे के दौरान क्या क्या देखने को मिला। दरअसल इस दौरे के पीछे की असली वजह है आईएसओ अधिकारियों द्वारा 24 जून को किया जाने वाला दौरा, जिसने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यहां किसी किसी विभाग में आईएसओ के नियमानुसार विंडो भी बनाई गई है, जिस पर आईएसओ के नंबर भी लिखे हैं, लेकिन यहां अव्यवस्थाएं भी कम नहीं है। लगभग सभी विभागों में फाइलें खुली पड़ी नजर आती हैं। कलेक्टर कार्यालय में जगह जगह गंदगी भी फैली हुई है, तो कई टेबलों के सामने अधिकारियों या कर्मचारियों की प्लेट भी गायब है। साथ ही फाइलें बेतरतीब पड़ी नजर आ रही हैं। इसको लेकर अपर कलेक्टर ने सभी को निर्देश दिए हैं और वे मानकर चल रहे हैं कि 24 तारीख के पहले तक व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। कोई दौरा नहीं है ये, आईएसओ की टीम आने वाली है, 24 तारीख उनका विजिट प्रस्तावित है, तो सभी शाखाओं में थोड़ी बहुत साफ सफाई और फाइलों की रख रखाव को देख रहे थे और जो थोड़ी बहुत कमियां हैं उनको आवश्यक सुधार के निर्देश भी दे रहे हैं उस चीज़ के लिए, क्योंकि फाइलें कई शाखाओं में ऑडिट चल रही हैं, तो फाइलें थोड़ा निकल गई हैं, बाहर हैं, तो उनको वो कह रहे हैं व्यवस्थित कर दें। उसके लिहाज से हम लोग एक भ्रमण करके पूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रहे हैं। आईएसओ की टीम के निरीक्षण के चलते यहाँ अधिकारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते नजर आ रहे हैं, लेकिन पहले ही अगर व्यवस्थाओं को सुधार दिया जाता तो शायद आज ये भागम भाग देखने को नहीं मिलती। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज़।